गाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हर कोई अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। बट PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड सिर्फ 24% लोग ही ऐसे हैं जो ये अचीव कर पाते हैं और अपनी लाइफ वैसे जी पाते हैं जैसा वो चाहते हैं, जबकि रेस्ट 76% फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ये अचीव करने का कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता। इवन उनको तो ये तक पता नहीं होता कि वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में अभी कहां पर स्टैंड करते हैं, एंड इसी वजह से अपने डे बाय डे एक्सपेंसेस के सामने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना उनको इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। सो अगर आपके खर्चे भी आपकी इनकम से ज्यादा जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको भी ये जरूर लगता होगा कि यार, ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना तो दूर, मैं सेविंग्स भी नहीं कर पाऊंगा। बट ऑथर टॉनी रॉबिन्स के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान चाहे, फिर चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेज में क्यों ना हो, अगर वो अपने इन बड़े बड़े गोल्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो पॉसिबली वो अपने इस ड्रीम तक पहुंच सकता है। उनके अकॉर्डिंग हर किसी को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 7 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, एंड तब जाकर वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी पाते हैं। पर जैसा कि मैंने अभी कहा कि इन स्टेजेस के बारे में लोगों को कोई खास जानकारी नहीं होती, एंड इसीलिए उनका ये सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाता है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 7 स्टेजेस के बारे में बताऊंगा जिन्हें अचीव करके आप फिर जैसी चाहे वैसी लाइफ जी सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि अभी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की कौन से स्टेज पर हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टेज नंबर 1, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। अगर आपकी लाइफ में अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर आप अभी कुछ भी नहीं कमाते और पूरी तरह से सिर्फ अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा अपनी लाइफ को जीने वाले आप दुनिया में अकेले नहीं हो, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ की एक स्टेज पर फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंड ही रहता है। और इंडिया जैसी कंट्री में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग हमेशा अपने पेरेंट्स और सभी के साथ रहना पसंद करते हैं, इस वजह से ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा हो जाती है। अब वैसे देखा जाए तो ये ज़्यादातर डिपेंडेंसी तब तक रहती है जब तक आप अपने स्कूल या कॉलेज में होते हो, क्योंकि तब तक आपके पास कोई ऐसा सोर्स या फिर कोई ऐसा काम नहीं होता जहाँ से आपका खर्चा निकलता रहे। बट सिचुएशन आपके हाथों से तब छूटने लगती है जब कॉलेज पास आउट करने के बाद भी आपके पास कोई खास प्लान नहीं होता। इस चीज़ का आपको कोई आइडिया नहीं होता कि अब क्या करना है, जिससे मजबूरन आपको जो दूसरे लोग सजेस्ट करते हैं आपको उनके मुताबिक चलना पड़ता है, जिससे एट द एंड आपका फ्यूचर आपकी लापरवाही की वजह से एक अलग ही डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो इसीलिए सबसे पहली स्टेज आपको यही सिखाती है कि अपने कॉलेज में ही अपने फ्यूचर की पहले से तैयारी करके रखो। आप पहले ही ये ध्यान में रखो कि यहाँ से निकलने के बाद अब आपको ये करना है जिससे आप खाली न बैठ सको। इस तरह का माइंडसेट आपको शुरू से ही दूसरों पर डिपेंड रहना छुड़वा देगा और आप अपने दम पर कुछ कर पाओगे। स्टेज नंबर 2, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। यहाँ पर अब आप दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि अब आप इतना पैसा कमा रहे हो जिससे आप अपने खर्चे मैनेज कर सको। बट स्टिल अभी आपकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि उससे आप अपने खर्चे भी चला सको और इमरजेंसी के लिए भी कुछ बचा सको। टॉनी रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ये दूसरी स्टेज लोगों की एक सर्वाइवल स्टेज होती है, जिसमें गुजारा करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें अब आपको एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है। जैसे सपोज करो अभी आपकी एक जॉब है जो आपको महीने के 15,000 दे रही है, एंड इसके लिए आप 9 बजे जाते हो और शाम को 5 बजे आ जाते हो, तो इसके बाद का ये जो 9 से 5 का टाइम होता है, यही टाइम ये डिसाइड करता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस हो। अगर आप अपने इस टाइम को घूमने फिरने या फिर फोन चलाने में गुजार रहे हो, तो हमेशा आप अपनी इसी स्टेज पर रहोगे जहां पर आज चल रहे हो। बट अगर आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज करके कोई नई स्किल सीखते हो जो आपको एक नया इनकम सोर्स बनाकर दे, तो यहाँ पर अब आपकी इनकम आपके खर्चों से आगे बढ़ जाएगी और आप कुछ सेव कर पाओगे। स्टेज नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर अगर आप अपने इनकम से सारे खर्चे करने के बाद भी कुछ पैसे सेव कर पा रहे हो, तो इसका मतलब सीधा है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्टेज पर अपनी पकड़ बना चुके हो, क्योंकि इस स्टेज पर सेविंग्स करना एक बेसिक पर इम्पॉर्टेंट चीज मानी जाती है। एंड जब आपके पास आपकी सेविंग्स होती है, तो आप अनसर्टेन सिचुएशन और इमरजेंसी जैसे हालातों से भी अच्छे से डील कर पाते हैं। तो अब जब आप अपने कुछ पैसे खुद के लिए सेव कर पा रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपको आपके ऊपर कोई लोन या फिर उधारी है, पहले उसको निपटाना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो जब तक आपके सर पर रहती हैं, आपको तब तक चिंता रहती है। एंड एक बार ये सब उतर जाने के बाद आप देखना, आप ज्यादा कंफर्ट और सुकून भरी लाइफ जिएंगे। स्टेज नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? अगर आपका जवाब ये है कि हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव करना, तो स्टिल आप उन लोगों के जैसे ही हो जो हर महीने अपनी सैलरी का ही वेट करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम से पैसे मिलना नहीं, बल्कि मल्टीपल एसेट्स का होना है।
ऐसे एसेट्स जिससे आपके एक्सपेंसेस, एमरजेंसी और रिटायरमेंट की जरूरतें इजीली मैनेज हो जाएं। वो लोग जो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं उनके सर पर किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं होता। एंड जब लोग इस स्टेज पर आते हैं तो उनके पास एटलीस्ट इतना पैसा होता है कि वो अपने पैसों को फ्यूचर नीड्स पर इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपने डेली खर्चों को भी आराम से संभाल पाएं। इसलिए फाइनली जब आप इस स्टेज पर आ जाएं तो अब आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अपना फाइनेंशियल गोल क्रिएट कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है जहां कहीं ना कहीं आपको अपने हाथों में पैसे देखकर थोड़ा लालच आना शुरू हो जाता है, जिसे आप ये सोचकर फिर अपने लिए महंगी महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देते हो कि लोग आपको नोटिस करें, वो देखें कि इस इंसान के पास कितना पैसा है या ये कितना ज्यादा अमीर है। बट अगर आप इस लालच में फंस गए तो आपको वापस से पहली स्टेज पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे अच्छी रिसर्च के साथ उसको किसी एसेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी से अगर आप अपने पैसों को काम पर लगाना शुरू कर दोगे तो फिर यही पैसा आगे चलकर फिर आपके लिए काम करेगा। स्टेज नंबर 5, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट से पैसा आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आकर कई लोगों का ये बहुत मन करता है कि यार बस अब मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पैसा मुझे मेरी लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है उतना तो पैसा मुझे यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट से ही मिल रहा है। बट यहाँ पर आकर इस तरह की सोच रखकर बैठ जाना आपकी एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इससे आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल लोगे जहाँ ना तो आप कुछ नया सोच पाओगे और ना ही ट्राई कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर आकर आपको खुद को और ग्रो कैसे किया जाए इसमें दिमाग लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ घर बैठकर खाने में। स्टेज नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। कई अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आप अपनी इनकम का अलग अलग सोर्स बना लेते हो तो आप फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो। अब आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि अगर आप अपने किसी पुराने काम को छोड़कर कुछ नया भी ट्राई करते हो तो भी आपको इसे इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ केसेस में हो सकता है कि जितना आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको उतना ना मिल पाया हो, बट इट डजंट मीन कि आप अपनी इस जर्नी में प्रोग्रेस कम कर रहे हैं, क्योंकि अब आप उन 95% लोगों की लाइफस्टाइल से बाहर आ चुके हैं जो दिन रात मेहनत करके भी ज्यादा खुश नहीं रह पाते। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपकी लाइफ का मेन गोल क्या है, अब आपको उस पर फोकस करना है। आपको खुद को एज अ ब्रांड बनाकर ये सोचकर चलना है कि आप लोगों की वो कौन सी नीड पूरी कर सकते हैं जहाँ से आपको भी प्रॉफिट मिले। एंड जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लो तो उस नीड को एक प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में लॉन्च करके लोगों से फीडबैक्स लेते रहो, एंड जो जो सुधार आपको मैक्सिमम लोग उसमें बताते चले जाएं आप कंसीडर करते रहो, जिसके बाद जो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो मार्केट में काफी लंबे टाइम तक टिक पाएगा। स्टेज नंबर 7, फाइनेंशियल अबंडेंस। जिस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हैं या दुनिया के बाकी लोग चाहते हैं वो आपको स्टेज 6 पर नहीं बल्कि इस स्टेज पर मिलेगी, क्योंकि इस स्टेज में अब आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके पुरखे भी गुजारा कर लें। लेकिन जहां यहां आपको अनलिमिटेड फ्रीडम्स मिलती हैं वहीं कुछ टेंशन्स भी मिल जाती हैं, क्योंकि यहां आने के बाद आपकी इनकम के साथ साथ कुछ टैक्स वगैरह के खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसे काफी हद तक हैंडल करने के लिए आपको जो अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो स्टॉक मार्केट की तरफ ले जाना है, जहां अगेन एक प्रॉपर रिसर्च और हर कंपनी की जांच पड़ताल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कर लेने के बाद जब आप कुछ ऐसी कंपनीज फाइनलाइज कर लो जो आपको लगता है कि फ्यूचर में ये आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं, तो वहां पर अपना पैसा लगाकर आप अपनी इस इनकम को लाइफ टाइम ग्रो कर सकते हैं। सो, ये कुछ 7 ऐसी फाइनेंशियल स्टेजेस थी जिनकी मैंने रिसर्च करके शॉर्ट में आपको समझाई है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इस वीडियो में आपको ये सब प्रोसेस जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं होने वाला। खासकर स्टार्टिंग फेज में तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, एंड हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा टाइम भी आ जाए जब आप गिव अप करने की सोचो, बट अगर आप वहां पर जाकर भी गिव अप कर जाओगे तो अगेन आपकी लाइफस्टाइल भी फिर वैसी ही रहेगी जैसे 95% लोगों की है। तो इन्हें समझो और इनके अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर दो। इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, एंड कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए Stay safe, stay healthy, take care.